अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? आवाज आ रही है मेरी सबको? तो पिछला क्लियर है जो हम एथिक्स पढ़ रहे थे, कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च, वही कंटिन्यू है आज हमारा लेक्चर। अच्छा, ग्रुप्स का कुछ किया? बनाए ग्रुप्स? कितने कितने पेयर्स का बनाया ग्रुप आप लोगों ने? पांच से कम का बना लो आप लोग, क्योंकि अभी जो हमने प्रैक्टिस के लिए रिसर्च वर्क करना है ना, वो तो सिंपल हमने छोटा सा करना है, ठीक है? डिटेल में हमने इतना नहीं करना। तो जितने कम मेंबर्स होंगे उतने लर्निंग के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप लोग चाहो तो दो दो का पेयर बना लो, ये ज्यादा बेस्ट नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि डिटेल में हमने रिसर्च वर्क नहीं करना है, सिंपल हमने एग्जाम्पल के लिए काम करना है, ठीक है? तो अगर आप दो दो का होगे तो आप अच्छे से सीखोगे, अगर पांच या छह का होगा तो आप लोगों के सीखने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी बताओ, दो दो का ठीक है पेयर? दो दो बन के ग्रुप में आप काम कर लो। ठीक है, दो दो का ठीक है। अरे मैं तो सभी के साथ होंगी, तो तीन तीन हो गए फिर हम। ठीक है, दो का बना लो हबीब। आप दो दो के ग्रुप्स के अपने नेम सेंड कर दो हबीब को, फिर वो बना के ग्रुप्स लिस्ट पे मुझे सेंड कर देगा। अच्छा, लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि टॉपिक हम सिलेक्ट करें तो उसमें कौन सी तीन चीजें होनी चाहिए हमारे टॉपिक में। है किसी को टॉपिक में कौन सी तीन चीजें प्रेजेंट हो तो आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है? ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने कोई रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो अगर कोई कहता है हैंड वॉशिंग, तो ये हैंड वॉशिंग कंप्लीट टॉपिक नहीं है, ठीक है? इसमें हमने करना क्या है, किन में करना है, ये अभी मेंशन नहीं है। तो सिंपल आप दो वर्ड मेंशन कर दो हैंड वॉशिंग, तो हैंड वॉशिंग का क्या करना है कोई पता ही नहीं है, और किस पॉपुलेशन में करना है कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है? तो अभी ये मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं है। मैं बताऊंगी कि मैंने हैंड वॉशिंग से रिलेटेड क्या चीज चेक करनी है और किन लोगों में चेक करनी है, वो फिर मेरे पास कंप्लीट टॉपिक आएगा। तो क्या तीन बेसिक चीजें बताई थी कि हमारे रिसर्च टॉपिक में प्रेजेंट होती हैं?
जी नहीं मरीम, ये नहीं है। पर्पस ऑफ रिसर्च, इंट्रोडक्शन एंड समरी, रिसर्च टॉपिक की भी बात हो रही है। पॉपुलेशन ठीक है, अगले दो ठीक नहीं है, रिसर्च टॉपिक और रिसर्चर। पॉपुलेशन एक चीज ठीक है, दो चीजें भी मिसिंग है। ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च भी आप लिख सकते हैं उसमें। नहीं, क्राइटेरिया भी नहीं आना टॉपिक में, ना ही थ्योरीज आनी है। पॉपुलेशन हो गया ठीक है, पॉपुलेशन हो गया कि हैंड हाइजीन हमने, हैंड वॉशिंग किस में करनी है, स्टूडेंट्स में करनी है। ठीक है, स्टूडेंट्स मेरे पास आगे पॉपुलेशन और क्या आ सकता है इसमें। हैंड वॉशिंग का क्या चेक करना है मैंने, और कहाँ के स्टूडेंट्स होंगे मेरे पास। अभी सिंपल टॉपिक की बात हो रही है, ठीक है, जो सारी चीजें बता रही हो ना, ये इसके बाद की है। टारगेट पॉपुलेशन या पॉपुलेशन वो इसी में आ गई, पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ रिसर्च भी हो गई, इसके बाद भी दो इम्पोर्टेंट चीजें मिसिंग है। अभी तक आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है। अभी मैंने क्या बताया कि हैंड वॉशिंग से रिलेटेड हमने क्या चीज चेक करनी है, और कहाँ के स्टूडेंट्स में चेक करनी है। ये दो क्या टर्म्स यूज करते हैं इन दोनों चीजों के लिए। प्रॉब्लम तो बेसिकली हमारा टॉपिक होता है, ठीक है, प्रॉब्लम को ही तो हम टॉपिक में कन्वर्ट करके इस पे रिसर्च करते हैं। दिमाग पे जोर लगाओ, क्या हो सकता है। ये अवेयरनेस, नॉलेज या इंडिकेशन, मूवमेंट, हैंड हाइजीन, ये किस में आएंगे। नॉलेज क्या है, क्या है जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्या कह सकते हैं इसे। हाँ जी, नहीं क्लियर हो रहा। अच्छा, जो सुमैया ने लिखा है अवेयरनेस और नॉलेज, ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं हैंड वॉशिंग से रिलेटेड, या इंडिकेशन या मूवमेंट देख रहे हैं हम हैंड हाइजीन की, तो ये क्या चीज है। नॉलेज क्या है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो चीज वेरी करती है उसे हम क्या टर्म देते हैं।
अभी सिंपल टॉपिक बनाने की बात हो रही है, ठीक है? जो सारी चीजें आप बता रहे हैं ना, ये टॉपिक बनाने के बाद की हैं। ठीक है, ये पर्पस भी आ गया, लेकिन एक और टर्म, कॉज एंड इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। तुम लोग इधर उधर से सारी चीजें पकड़ लेते हो, जो चीज बताने वाली होती है ना उस पे तुम लोग आ ही नहीं रहे। वेरिएबल्स की जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन आप चेक करोगे तो ये क्या वेरिएबल्स है ना। हमारे टॉपिक में एक पॉपुलेशन आ गई, ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च आ गई, वेरिएबल्स भी आ गए। वेरिएबल्स में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप दोनों देखोगे। एक फोर्थ पॉइंट मिस है अभी भी। ये साइज ऑफ रिसर्च या सैंपल या सर्वेस, ये सारी चीजें टॉपिक में नहीं आनी, ठीक है? जब हमारा टॉपिक सिलेक्ट होगा, ये उसके बाद के स्टेप्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। अच्छा, जैसे मैं आपको कंप्लीट करती हूँ टॉपिक, ठीक है, लास्ट वाला मैं छोड़ दूंगी। जैसे अवेयरनेस रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग अमंग स्टूडेंट्स ऑफ डैश इन लाहौर। कुछ वर्ड मैंने छोड़ दिए, कुछ मैंने इंक्लूड कर दिए। अभी भी नहीं आइडिया हो रहा, इतना क्लियर हिंट दे दिया मैंने। पॉपुलेशन होगी, वेरिएबल्स हो गए, टाइप ऑफ रिसर्च भी होगी। पॉपुलेशन कहाँ की होगी, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम? एरिया या सेटिंग, ठीक है? तो अब हमारे टॉपिक में सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमने बता दिया था कि हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, फिर हमने बताया कि टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी कौन सी होगी, ये आप चाहे बताओ चाहे ना बताओ, ठीक है, ये ऑप्शनल है। फिर हमने बताया कि पॉपुलेशन कौन सी होगी, और लास्ट में हम बताएंगे कि हमारी सेटिंग या एरिया कौन सा होगा। ठीक है, जैसे अवेयरनेस रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग अमंग स्टूडेंट्स ऑफ, अब स्टूडेंट्स ऑफ कहाँ के स्टूडेंट्स, किस स्कूल के, किस कॉलेज के, कहाँ के, ठीक है। स्कूल अमंग स्टूडेंट्स ऑफ कोई भी प्राइमरी स्कूल के, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो प्राइमरी स्कूल्स इन ऑफ लाहौर, ठीक है, लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स में आपने अवेयरनेस देखनी है किस चीज के रिगार्डिंग, हाइजीन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट टॉपिक हुआ है। तीन चीजें होनी चाहिए हमारे, इन टॉपिक, ठीक है। नंबर वन पे हमारे पास आ गए वेरिएबल्स, सेकंड पे हमारे पास आएगी पॉपुलेशन, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास आ जाएगी सेटिंग। ठीक है, अब रिसर्च की कौन सी टाइप आप यूज कर रहे हो, ये ऑप्शन है, या तो आप लिख सकते हो अपने टॉपिक में, तो लिख लो, ठीक है, नहीं भी लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट ये आपके तीन टॉपिक में आएंगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने एग्जाम्पल शेयर की है,
एग्जांपल एसेंस ही लिख देती हूँ, इन लाहौर। अब आप इसमें देखो तो आपकी सारी चीजें कंप्लीट हैं। ठीक है, पॉपुलेशन भी आपकी इसमें आ गई, सेटिंग भी आपकी इसमें आ गई, वेरिएबल्स भी आपकी इसमें आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया अब सबको। ठीक है, अभी आप लोग कोई एग्जाम्पल शेयर करो, इसी तरह कोई भी टॉपिक बना के। ठीक है, रफली कोई भी टॉपिक जो जहन में आपके आता है। ठीक है, दिला ने भी ठीक बनाया है, अरफा ने भी ठीक बनाया है। ठीक है दिला, अगर आप ये कोरोना प्रिवेंशन को ऊपर ले जाओ, अवेयरनेस रिगार्डिंग कोरोना प्रिवेंशन, ठीक है, बस फिर पॉपुलेशन और सेटिंग आ जाएगी। अब अंसब ने आईसीयू पेशेंट की लेकिन सेटिंग नहीं लिखी यहाँ पे। ठीक है, आईसीयू किस हॉस्पिटल की आईसीयू की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मरियम ने भी ठीक बनाया है, सुमैया का भी ठीक है। खतीजा का भी ठीक है। खतीजा, अगर इसमें रूरल कम्युनिटी मेंशन कर दे या अर्बन कम्युनिटी मेंशन कर दे, ठीक है, फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। अब ये फिजा ने लिखा है अवेयरनेस रिगार्डिंग कंटेमिनेशन वाटर अमंग दी जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में के किस किन में देख रहे हो, अमंग कौन है? अब से ज्यादा अपनी भी सेटिंग छोड़ दी है। रूरल एरियाज ऑफ कहाँ के, किस सिटी के?
ठीक है नीलम, आपका भी। चीता ओटी लिखा है, मतलब ये तो वहां की जगह होगी ना, पॉपुलेशन तो फिर भी इसमें नहीं आई। ये जो आरिफा ने लिखा है, अवेयरनेस ऑफ एंटीसेप्टिक टेक्निक्स अमंग दी पीआईसी हॉस्पिटल इन एमरजेंसी आईसीयू। अब आप बताओ कि इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है सना का, ठीक है शुमाइला का भी ठीक है। हबीबुल्ला का भी ठीक है, सुमैया का भी ठीक है, नूरीन का भी ठीक है। हाँ जी, आरिफा का देख के बताओ कि क्या मिस की है इसने चीज। सेटिंग है इसमें, ठीक सुमैया ने ठीक है, ठीक है। पॉपुलेशन डिफाइन नहीं की इसने, सेटिंग इसने दो बता दी है। पीआईसी हॉस्पिटल में वो एमरजेंसी आईसीयू में देख रही है, ठीक है, लेकिन वहां किन में देख रही है, पेशेंट्स में, नर्सेस में, डॉक्टर्स में, किन में वो अवेयरनेस देख रही है, वर्कर्स में, किन में। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना सबको कि टॉपिक हम कैसे बना सकते हैं। ठीक जी, अब ठीक है। पिज्जा इर्सा का भी ठीक है, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना सबको टॉपिक में, आना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है सबके टॉपिक्स ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो हम बाद में देख लेंगे। जी हीरा ठीक है, आपका भी। ठीक है, तो अभी हम प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करते हैं ये कुछ। अब टॉपिक्स बनाने आ गए आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग कोशिश करें कि टॉपिक्स बना के लेके आओ, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे हम आर्टिकल्स कैसे सर्च आउट करेंगे।
ठीक है, प्रीवियस में हम एथिक्स को देख रहे थे, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कौन कौन से इवेंट थे जिसकी बेस पे कोड ऑफ एथिक्स डिवेलप हुए। एथिक्स हमारे पास आते हैं सेट ऑफ रूल्स जिनको फॉलो करके हम राइट रॉन्ग में डिफरेंस देख सकते हैं, गुड बैड में देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, बिहेव अच्छे से करते हैं। कुछ हमने इवेंट डिस्कस किए थे, इसमें नंबर 1 पे था नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट, इसकी बेस में हमारे पास न्यूरमबर्ग कोड डेवलप हुए थे, कोड ऑफ एथिक्स, ये जिसमें डिफरेंट गाइडलाइंस बता दी गई थी क्या क्या चीजें हमने एथिक्स में फॉलो करनी है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी था, तो स्केजी सिफिलिस स्टडी एक इवेंट था जिसमें एथिक्स को फॉलो नहीं था, गेन फॉर्म कंसेंट नहीं था लिया गया पार्टिसिपेंट से। मिलो ब्रोक स्टडी थी, तो एथिकल प्रिंसिपल कौन कौन से थे, इसमें बेलमॉन्ट रिपोर्ट में आपके 3 एथिक्स आ जाते हैं, बेनिफिसेंस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड जस्टिस। ठीक है, अगर ANA की गाइडलाइंस की बात करें तो उसमें प्रिंसिपल फर्स्ट में हमारा कौन सा आएगा, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। प्रिंसिपल 2 हमारे पास आएगा बेनिफिसेंस, थर्ड हमारे पास आएगा राइट टू फुल डिस्क्लोजर, फोर्थ पे हमारे पास आएगा राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, एंड फिफ्थ पे हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के जो हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग रिसर्च। बेनिफिसेंस इम्पोजिस ड्यूटी ऑन रिसर्चर्स टू मिनिमाइज हार्म एंड टू मैक्सिमाइज बेनिफिट। ठीक है, जितने से ज्यादा बेनिफिट्स हों वो दें, और जितने से कम हार्म उन्हें हो वो हम बेनिफिसेंस को फॉलो करके रिसर्च करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, दी राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म एंड डिसकम्फर्ट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, बेनिफिट फ्रॉम रिसर्च। फिर हमने देखा था रिस्क बेनिफिट रेशियो क्या है। ठीक है, इसमें हमारी रिस्क कम होनी चाहिए, बेनिफिट्स का रेशियो ज्यादा होना चाहिए। बेनिफिट्स का रेशियो ज्यादा होगा तो हमारी रिसर्च एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर हमारे पास रिस्क का रेशियो बेनिफिट से ज्यादा है तो हमारी रिसर्च रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट और ह्यूमन डिग्निटी। जिसमें फर्स्ट पे राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन, द राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन मींस दैट प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैव द राइट टू डिसाइड वॉलंटरली वेदर टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी विदाउट रिस्किंग पेनल्टी। इट ऑल्सो मीन्स डेट पीपल हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, टू रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन, टू विथड्रॉल फ्रॉम द स्टडी। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या चीज है कि हमें राइट देना है पार्टिसिपेंट को, राइट है कि वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपकी स्टडी में,
और कोई भी क्वेश्चन स्टडी से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता या विड्रॉल करना चाहता है तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, पार्टिसिपेंट को फुल राइट है कि वो कभी भी विड्रॉल कर सकता है रिसर्च स्टडी से, या कुछ भी कोई भी क्वेरी हो तो वो इजिली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया राइट टू फुल डिस्क्लोजर। द रिसर्चर्स शुड फुली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स, राइट टू रिफ्यूज पार्टिसिपेशन, रिसर्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क एंड बेनिफिट। ठीक है, अब रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो टोटली कंप्लीट बताए पार्टिसिपेंट को कि वो कभी भी रिफ्यूज कर सकते हैं पार्टिसिपेशन से। ठीक है, वो बेनिफिट्स के बारे में बताए, रिस्क के बारे में बताए जो उस स्टडी में मेंशन है, मींस टोटली जो स्टडी में चीजें अवेलेबल है वो टोटली क्लियर पार्टिसिपेंट को बताए कि रिसर्च में वो क्या करने जा रहे हैं, पर्पस बताए, ठीक है, रिस्क बताए, बेनिफिट्स बताए, फिर इसकी बेस पे अगर पार्टिसिपेंट्स की विलिंग होगी तो वो पार्टिसिपेट कर ले, अगर विलिंग नहीं है तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं। इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड जजमेंट, जिसमें बायस आ गई, कंसीलमेंट आ गया, डिसेप्शन आ गया। बायस क्या होता है? ठीक है, कंसेलमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट पार्टिसिपेंट्स नॉलेज, मींस कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन पार्टिसिपेंट्स को बताया ही नहीं है कि आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन एक मेथड है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं लेकिन पार्टिसिपेंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कंसेलमेंट में आ गई। ठीक है, ये रिस्पेक्ट के अगेंस्ट आ गया, एक इशू आ गया। फिर है डिसेप्शन, entails that participants are not fully informed of the purpose of the study. अब डिसेप्शन में क्या है कि आप completely purpose बताते ही नहीं हो आप अपनी study का, कि आपकी study में आप actually में करना क्या चाह रहे हो, तो ये आ गए respect के against आ गए। तो ये तीन issues आ गए जो इस principle of respect से related है। अभी आ रही है आवाज मेरी? ठीक है, क्लियर है सबको? फिर हमारे पास आ गया प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस हमने करना है, इक्वली ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीटमेंट देना है। इसमें क्या है, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड राइट टू प्राइवेसी, जिसमें हमारे पास अनॉनिमिटी आ गई।
जी 22 एरर में आ गया, ठीक है। एनोनिमिटी मीन्स कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी का ये मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, प्राइवेसी इसकी मेंटेन होगी, ठीक है। कोई भी हम डिजीज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनका नेम मेंशन नहीं करते कि ये इस बंदे का नेम था और इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी, हम नेम मेंशन नहीं करते, तो ये हम प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, ठीक है। एनोनिमिटी मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। जो पिछले सारे हमने प्रिंसिपल्स देखे हैं वो हम इन्फॉर्म कंसेंट पे मेंशन करते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट इन सारी चीजों को फुलफिल करते हैं, सारे पॉइंट्स को। इन्फॉर्म कंसेंट क्या होते हैं, कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आप कंसेंट लेते हो, ठीक है। चाहे वो रिसर्च हो, चाहे कोई मेडिकल का कोई प्रोसीजर हो, तो आप इन्फॉर्म कंसेंट लेते हो। आपको सारी चीजें बता दी गई हैं, ठीक है। इनके बेनिफिट्स बता देंगे, इनके रिस्क बता देंगे, तो आप विलिंगली पार्टिसिपेशन दे रहे हो, तो ये हमारे पास आ गया इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट इज प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट सब्जेक्ट्स अंडरस्टैंड द रिसर्च एंड वॉलंटरीली डिसाइड टू पार्टिसिपेट, ठीक है। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के लिए हम इन्फॉर्म कंसेंट को यूज करते हैं। एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस पार्टिसिपेंट्स लर्न अबाउट स्टडी प्रोसीजर्स, रिस्क, बेनिफिट्स एंड देयर राइट्स, ठीक है। अब इन्फॉर्म कंसेंट पे वो पढ़ के क्लियर वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि स्टडी का क्या प्रोसीजर है, क्या पर्पस है, क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उस सब्जेक्ट के राइट्स हैं कि वो किसी भी टाइम पे विड्रॉल कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इन्फॉर्म कंसेंट में आती हैं। इंडिविजुअल साइन एंड इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट टू ऑथराइज देयर एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कि पार्टिसिपेंट्स विलिंगली पार्टिसिपेट करें आपकी रिसर्च में या किसी भी प्रोसीजर में। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू फुल डिस्क्लोजर आर द टू मेजर एलिमेंट्स ऑन विच इन्फॉर्म कंसेंट इज बेस्ड। पार्टिसिपेंट्स मस्ट नो दैट दे आर गेटिंग इन्वॉल्व बिफोर द कमिटमेंट, मस्ट कंसेंट टू पार्टिसिपेंट इन स्टडी एज अ पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो इन्फॉर्म कंसेंट पे आपके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट भी इसमें इंक्लूड होगा, राइट टू फुल डिस्क्लोजर भी टू कंपोनेंट है जो आपके इन्फॉर्म कंसेंट जिस पे बेस करेगा। एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे इन्फॉर्म कंसेंट के, बेसिकली फोर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूएचएस के एग्जाम्स में भी आया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट क्या है और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इन्फॉर्म कंसेंट इंक्लूड्स फोर एलिमेंट्स। नंबर वन, डिस्क्लोजर ऑफ इंसेंशियल स्टडी इन्फॉर्मेशन टू द स्टडी पार्टिसिपेंट्स। आपने टोटली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बतानी है जो रिक्वायरमेंट है पार्टिसिपेंट को। नंबर टू, कम्प्रीहेंशन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन बाय द पार्टिसिपेंट, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। जो रिसर्चर है उसको भी अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जिसको सब्जेक्ट को प्रेजेंट करें जो दे रहे कंसेंट वो भी उसको इजिली अंडरस्टैंड करे। कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टिसिपेंट टू गिव कंसेंट, अब पार्टिसिपेंट्स की कॉम्पिटेंसीज भी देखते हैं कि कौन किन पार्टिसिपेंट में कॉम्पिटेंसी है कि वो कंसेंट दे सकते हैं, किन पार्टिसिपेंट की कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो कंसेंट नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं तो वो क्या है, उनमें कॉम्पिटेंसीज नहीं है कि वो कंसेंट फॉर्म दे सकते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन कौन से लोग आते हैं, जी पता है सबको वल्नरेबल ग्रुप्स किसे कहते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं आपके इस ग्रुप में।
ठीक है, ये सारे आपके वल्नरेबल्स में आ गए। क्या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं, डिसेबल्स हैं, ये सारे आपके आगे वल्नरेबल ग्रुप में है। ठीक है, तो ये इनमें क्या है, कॉम्पिटेंसीज नहीं है कि आप कंसेंट दे सके। तो हमने कंसेंट के लिए कॉम्पिटेंसी भी देखनी होती है। फोर्थ में हमारे पास आ गया वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू टेक पार्ट इन द स्टडी। लास्ट में उनका वॉलंटरी कंसेंट होता है, एग्रीमेंट होता है कि वो एग्री है इस रिसर्च में या स्टडी में या प्रोसीजर में पार्टिसिपेशन के लिए। अच्छा, अब इंसेंशियल स्टडी इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी। फर्स्ट पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी इन्वॉल्व्स रिसर्च रिस्क और डिस्कम्फर्ट्स, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपेंसेशन या ट्रीटमेंट ऑफर्ड, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च सब्जेक्ट्स राइट्स, स्टेटमेंट एंड पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी एंड ऑप्शन टू विथड्रॉ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो इसेंशियल स्टडी में मेंशन है, जिसका आपको पार्टिसिपेंट को बताना जरूरी है। वन बाय वन देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर वन जो हमारे पास आ गया, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी इन्वॉल्व्स रिसर्च, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रिसर्च, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेशन, इन आइडेंटिफाई एनी प्रोसीजर डेटा एक्सपेरिमेंटल डन सोली फॉर द रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, कोई भी आपने स्टडी स्टार्ट करनी है तो आपने अपना स्टडी का पर्पस बताना है कि आप ये स्टडी में क्या करने जा रहे हो। ठीक है, और कितने टाइम के लिए पार्टिसिपेशन की सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि वो स्टडी उनकी, उन्होंने कहा था कि वो 6 मंथ की है, लेकिन वो 14 ईयर्स तक गई थी। ठीक है, तो ये क्या था, टोटली रॉन्ग था। उन्होंने क्लियर नहीं बताया ड्यूरेशन, ये कितनी ड्यूरेशन की स्टडी है। अगर हम ड्यूरेशन की बताएंगे तो फिर पार्टिसिपेंट पर डिपेंड करते हैं कि वो पार्टिसिपेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो टोटली हमने कंप्लीट प्रोसीजर बताना है और पर्पस बताना है और ड्यूरेशन बताना है। रिस्क और डिस्कम्फर्ट भी बताना है कि ये रिसर्च है तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। इंक्लूड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्क और डिस्कम्फर्ट, रिव्यू एनी रिस्क रिलेटेड टू प्रोसीजर्स एंड टेस्ट रिलेटेड सोली टू द रिसर्च, इन्फॉर्म सब्जेक्ट अबाउट प्रीवियसली रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट्स। ठीक है, अगर इस स्टडी पे प्रीवियसली स्टडीज हो चुकी हैं तो आपने भी बताना है कि प्रीवियस जब स्टडीज हुई थी तो उनमें ये रिस्क थे या डिस्कम्फर्ट थे। ठीक है, टोटली आपने बताना है कि आपकी स्टडी में कितने रिस्क या कौन कौन से डिस्कम्फर्ट्स प्रेजेंट है, ताकि उनको देख के समझने के बाद अगर पार्टिसिपेंट विनिंग होगी तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं, एक्सप्लेन एनी बेनिफिट्स ऑफ टू दी सब्जेक्ट्स और अदर्स। आप ये बता सकते हैं कि आपकी स्टडी जब आप कर रहे हैं तो आपको पार्टिसिपेंट्स को ये बेनिफिट्स होंगे, तो टोटली आपने बेनिफिट्स का भी बता देना है। अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स बताने हैं आपने, डिस्क्राइब करने हैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दैट मे बी बेनिफिशियल टू दी सब्जेक्ट्स और दैट दे कैन अप्रोप्रिएट इंक्लूड अ स्टेटमेंट एंड सपोर्टिव केयर विद नो एडिशनल ट्रीटमेंट इज एन अल्टरनेटिव। ठीक है, अगर आपने बताना है कि आपकी स्टडी में आप ये किसी भी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हो या ट्रीटमेंट पे दे रहे हो, तो उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। लेकिन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में ये क्या उन्होंने बताया कि क्लियर कहना बता देना आपने कि इसमें आपको कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है उस स्टडी से तो आपको सपोर्टिव केयर मिलेगी। ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर में इंक्लूड है। जैसे अगर आप किसी हेपेटाइटिस पे स्टडी कर रहे हो या उनको हेपेटाइटिस करवा के फिर आप उन पे स्टडी करना चाह रहे हो, फिर आप उनको बताओगे कि उससे रिलेटेड वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर ये है कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास अल्टरनेटिव प्रोसीजर अवेलेबल है, या कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई इंजरी आती है, तो हम आपको सपोर्टिव केयर देंगे एज अ अल्टरनेटिव। तो आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी बताने हैं। अच्छा, अभी आप अटेंडेंस लगा लो। ठीक है, फिर ये मैं स्टार्ट करती हूँ।
ओके, तो आप वेट कर लेगा। ठीक है ठीक है, टाइम लगा रही थी मैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही आपने। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। एक्सप्लेन हाउ द रिसर्चर्स विल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ स्टडी रिकॉर्ड एंड इंक्लूड एनी एजेंसीज इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स हु विल हैव एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आपने बताना है कि अगर आप ये स्टडी करें तो आपका नेम या कोई भी चीज हम जो प्राइवेसी के अगेंस्ट हो हम मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम टोटली कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। अगर हम रिसर्च के अलावा अगर हम किसी इंस्टीट्यूट को या किसी एजेंसीज को ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं तो आपका नेम कॉन्फिडेंशियल में रखा जाएगा। ये कॉन्फिडेंशियलिटी टोटली हमने मेंटेन करनी है। सिक्स पे हमारे पास आए कंपेंसेशन एंड अवेलेबल ट्रीटमेंट्स। डिस्क्राइब एनी कंपेंसेशंस दैट विल बी ऑफर्ड। स्टेट वेदर एंड मेडिकल ट्रीटमेंट विल बी ऑफर्ड इन केस ऑफ रिसर्च रिलेटेड इंजरी एंड डिस्क्राइब द कंडीशंस एंड एक्सटेंट ऑफ द पेमेंट एंड ट्रीटमेंट। इंक्लूड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि कंपनसेशन भी अगर आपके पास अवेलेबल है या कोई ट्रीटमेंट है, अगर इंजरीज वगैरह हो जाए तो आप क्या कंपनसेट कर सकते हो। ठीक है, कोई आप इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट कोई कंपनसेशन कर सकते हो या ट्रीटमेंट दे सकते हो, क्या आप कंपनसेशन आपके पास अवेलेबल है तो आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम को हार्ड स्टडीज करते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है पार्टिसिपेंट्स का, ज्यादा टाइम के लिए हमने उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटे से कोई इंसेंटिव्स रख लेते हैं या कुछ मनी रख लेते हैं, उनको कह देते हैं कि इतने टाइम के लिए आप अगर बाउंड हो जाओगे तो हम आपको ये इतना पे करेंगे। ठीक है, कुछ इंसेंटिव देंगे, कंपेंसेशन भी देंगे, देन वो विलिंग होते हैं आपकी स्टडी में पार्टिसिपेशन के लिए। तो अगर कोई कंपेंसेशन अवेलेबल है तो अभी आप क्लियरली बताओ। सब्जेक्ट्स राइट्स में क्या इंक्लूड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नेम एंड फोन नंबर फॉर क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स राइट एंड रिसर्च रिलेटेड इंजरी। ठीक है, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नेम आपके कंसेंट फॉर्म में मेंशन होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन हो या कोई इंजरी हो जाए तो वो सब्जेक्ट का राइट है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी, सो स्टेट दैट पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी। आज के लिए इतना क्लियर है लेक्चर। ठीक है, अजान हो रही है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो मेरे से, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। No. ठीक है, फिर क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।